सो हेयर मस अप गाइस, दिस इज क्लेन यू वाचिंग टेक्नो किल। सो गाइस यार, अगर आपका बजट 20,000 रुपीज और आप मुझे एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, तो यार इस वीडियो के अंदर दिखती रही है। आज की वीडियो में कुछ किया है 20,000 के अंदर बहुत ही बढ़िया जो कि कॉम्पोनेंट सजेस्ट करूंगा, जिससे कि आप जो कि गेमिंग तो कर पाएंगे, पर यार आपको जो कि पीसी फ्यूचर प्रूफ भी होने वाला है। तो यार इस वीडियो के अंदर दिखती रही है, चैनल पर चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, मत जाना। चलिए गाइस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सर, प्रोसेसर की बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसीबी में हमने जो किया है एक एपीयू का यूज़ किया गाइस 20,000 के कम बजट के अंदर। गाइस आप जो कि एक डेडिकेटेड सीपीयू और जीपीयू बैठा नहीं सकते, इसलिए हमने जो किया है एपीयू का यूज़ किया गाइस, जो कि आता है एएमडी की तरफ से एथलॉन 200GE। सो गाइस अगर आपका बजट थोड़ा बहुत ज़्यादा है, 20,000 से भी ज़्यादा है, तो यार आप जो कि एथलॉन 3000G के साथ जा सकते हैं, जिसमें कि आपको जो कि थोड़ी बहुत फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिल जाती है 200GE के हिसाब से। सो गाइस दोनों में आपको जो कि डुअल कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। बेस क्लॉक की बात करूँ तो गाइस एथलॉन 200GE की 3.2 GHz क्या कुछ की बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है। 3000G में आपको जो कि 3.5 GHz की बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है गाइस। दोनों ही आपको जो कि लॉक्ड प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, दोनों को आप जो कि ओवर क्लॉक कर नहीं सकते। दोनों में भी आपको जो कि 5 MB की कैच मेमोरी देखने को मिल जाती है गाइस। साथ ही में दोनों में आपको जो कि 35 W की TDP देखने को मिल जाती है। AM4 सॉकेट के आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं गाइस। 2667 MHz की रैम को दोनों ही DDR4 वाले टाइप रैम को दोनों ही प्रोसेसर जो कि सपोर्ट करते हैं। बहुत कम आपको जो कि रैम फ्रिक्वेंसी दोनों ही प्रोसेसर मांगते हैं गाइस, बहुत कम रिक्वायरमेंट की रैम मांगते हैं। पर AMD के रेडियन वेगा 3 ग्राफिक्स के साथ आपको जो कि दोनों ही APUs देखने को मिल जाते हैं गाइस, जो कि यार ठीक ठाक से ग्राफिक का है। अगर आप जो कि GTA 5 जैसे गेम को इस वाले प्रोसेसर पे खेलना चाहते हैं, तो यार आप जो कि लो सेटिंग में अच्छे गाइस जो कि FPS निकाल लोगे गाइस, आराम से जो कि 30+60 FPS तक तो निकाल ही लोगे गाइस GTA 5 Far Cry 3 जैसे गेम में। प्राइस की बात करूँ तो गाइस आप जो कि एथलॉन 200GE 4300 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है, एथलॉन 3000GE आपको जो कि 5000 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है गाइस। आपका प्राय आपका बजट देख के आप जो कि दोनों में से जो कि प्रोसेसर चूज करना, लगभग आपको जो कि दोनों में सेम जो कि परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। लिंक आपको जो कि दोनों प्रोसेसर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो कि कोई भी प्रोसेसर को परचेस कर सकते हैं। नो यार मदरबोर्ड की बात करूँ तो यार इस वाले पीसीबी में हमने जो कि MSI की तरफ से आने वाला A320 MA Pro Max मदरबोर्ड यूज़ किया है गाइस, जो कि यार एक बेसिक सा मदरबोर्ड है। इसमें आपको जो कि AM4 सॉकेट का जो कि ये सॉकेट देखने को मिल जाते हैं, AM4 सॉकेट, 2 DDR4 वाले आपको जो कि रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं, और सारे AMD के जो कि प्रोसेसर को ये सपोर्ट करता है गाइस, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वाले। अगर आप इन फ्यूचर जो कि ये आपके जो कि प्रोसेसर को रिप्लेस करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो यार आप जो कि इसमें कोई भी राइजन सीरीज का जो कि प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए राइजन 3 3200G, राइजन 5 3400G, कोई भी आप जो कि इस वाले पीसी में जो कि है मदरबोर्ड पे जो कि है प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर आप जो कि प्रोसेसर को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो यार प्राइस की बात करूँ तो गाइस 5000 रुपीज़ का कुछ के प्राइस देखने को मिल जाती है, लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस। बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है गाइस, अगर आप इन फ्यूचर जो कि ये चेंज करते हैं, तो यार प्रोसेसर को आराम से जो कि सपोर्ट कर जाएगा ये वाला मदरबोर्ड। नाउ यार रैम की बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में हमने जो की है किंगस्टन की तरफ से आने वाली 4GB की 2666 MHz की जो कि है DDR4 टाइप की जो कि सिंगल रैम स्टिक यूज़ की है गाइस। अगर आपका जो कि बजट ज़्यादा है, तो आप जो कि एक और 4GB की रैम स्टिक इस वाले पीसी में बैठा सकते हैं। सो गाइस किंगस्टन के आपको जो कि रैम ये जो कि है बेसिक से रैम देखने को मिल रही है गाइस, उतनी कुछ आपको जो कि हीट सिंक वगैरह इस रैम पे देखने को नहीं मिलती। 4GB की आपको जो कि रैम 2666 MHz की देखने को मिल जाती है। अगर आप जो दूसरे कोई भी ब्रांड की लेते हैं, तो यार आपको जो कि रैम 2400 MHz पे जो कि क्लॉकड देखने को मिल जाती है, आपको जो कि ओवर क्लॉकिंग वगैरह करना पड़ता है रैम को। इससे अच्छा है कि आप जो कि किंगस्टन की रैम ले ले, आपको जो कि इसमें कोई भी ओवर क्लॉकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड पे फिट करके पीसी को रन करना पड़ेगा, कोई भी आपको जो कि झंझट होने वाला नहीं है। प्राइस की बात करूँ तो गाइस 2000 रुपीज़ की 4GB की रैम की प्राइस है, लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो कि रैम को भी परचेस कर सकते हैं।
नॉ स्टोरेज टाइप की बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसीबी में हमने जो की है एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों का ही यूज़ किया है गाइस। एसएसडी की बात करूँ तो गाइस हमने जो कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 240 GB के एसएसडी जो कि यूज़ किए गए ग्रीन वाले एसएसडी, जिसमें कि आप जो कि अपने ओएस को जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस एसएसडी को यूज़ करने से आपकी जो कि पीसी की लाइफ एनहांस हो जाती है और आपको जो कि पीसी की परफॉर्मेंस भी एनहांस हो जाती है। तो यार एसएसडी की प्राइस की बात करूँ तो 3200 के अराउंड आपको जो कि एसएसडी देखने में वो मिल जाती है गाइस। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो कि एसएसडी को परचेस कर सकते हैं। ना यार हार्ड डिस्क की बात करूँ तो गाइस हमने जो किया सीगर की तरफ से आने वाले 12 कोड़ा 1 TB की जो कि हार्ड डिस्क यूज़ किया गया जो कि 7200 RPM पे क्लॉक्ड है हार्ड डिस्क है। सो गाइस अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप जो कि वेस्टर्न डिजिटल की भी ले सकते हैं, या तो आप जो कि ऑफलाइन मार्केट से जो कि है हार्ड डिस्क को परचेस कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कम प्राइजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस हार्ड डिस्क आपको जो किया सीगर की 3500 में देखने को मिल जाएगी, आपको जो कि वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड डिस्क जो कि 3700 में देखने को मिल जाएगी गाइस। ऑफलाइन मार्केट में सारे कंपोनेंट्स की एक बार आप जो कि सर्च कीजिएगा, अगर आपको मिलते हैं तो यार बहुत ही बढ़िया आपको जो कि डील देखने को मिल जाएगी। आपका पीसी जो कि आराम से 15000 के अंदर बन जाएगा अगर आप जो कि ऑफलाइन मार्केट से कंपोनेंट्स को परचेस करते हैं तो। सो गाइस सारे कंपोनेंट्स की लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो कि कंपोनेंट्स को परचेस कर सकते हैं। और पावर सप्लाई यूनिट की बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में हमने जो किया सर्कल की तरफ से 400 W की पावर सप्लाई यूज़ किया है गाइस। सो गाइस बेसिक से आपको जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है गाइस। इस वाले पीसी को रन करने के लिए मोर देन इनफ जो कि पावर सप्लाई होने वाली है। अगर आप इन फ्यूचर जो कि ग्राफिक्स कार्ड वगैरह ऐड करने वाले तो यार आप जो कि इन फ्यूचर जो कि पावर सप्लाई को चेंज कर सकते हैं गाइस। आप जो कि कॉर्सर की VS450 ले सकते हैं। सो गाइस अभी इस वाले पीसी को रन करने के लिए मोर देन इनफ ये वाली पावर सप्लाई होने वाली है गाइस 400 W की। प्राइस की बात करूँ तो गाइस 1000 to 1200 rupees में आपको जो कि ये वाली पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी। अगर आप जो कि कॉर्सर की VS450 की लेना चाहते हैं तो यार पावर सप्लाई आपको जो कि 2000 to 2500 के अराउंड वो लीजिए कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी। ना यार कैबिनेट की बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में हमने जो कि चिप्रॉन की तरफ से वाले MX3 गेमिंग कैबिनेट यूज़ किया है गाइस, जो कि आपको जो कि बजट में रहते हुए बहुत ही बढ़िया आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ आपको जो कि RGB लाइटिंग स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, जो कि यार डिज़ाइन वगैरह है इस वाले RGB स्ट्रिप का बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है गाइस। साइड में जो कि टेम्पर ग्लास देखने को मिल जाता है, PHE शॉर्ट देखने को मिल जाता है गाइस। पीछे की तरफ आपको जो कि 120mm का एक जो कि प्री इंस्टॉल फैन देखने को मिल जाता है गाइस, नॉन RGB फैन। ओवरऑल बढ़िया आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाता है गाइस। आप जो कि इस वाले कैबिनेट में मिनी ATX माइक्रो ATX सारे मदरबोर्ड को आप जो कि फिक्स कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको जो कि डेडिकेटेड RGB कंट्रोलिंग बटन देखने को मिल जाता है गाइस। ओवरऑल बढ़िया कैबिनेट है गाइस, 2400 rupees में आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाता है। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो कि कैबिनेट को भी परचेस कर सकते हैं। सो गाइस यार इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए तो चैनल को जी के सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलता हूँ आपकी इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।